बरकत की देख।
सदर थे, उस वक्त इन कमबख्त यहूदियों ने साजिश रची किस बात की, मस्जिद अक्सा को जलाने की। मेरे दादा ने, मेरे दादा के पास बहुत सारे लोग आए अलग अलग फिरकों के, आज मारने को कहा जा रहा है मारना सुने को लिए हो गया। अरे भैया सुने को लिए का मतलब क्या समझते हो? अभी समझाता हूँ सुने को लिए का मतलब क्या होगा। अरे यार मैं कहता हूँ पान पट्टियों पर बैठकर अपने सत्रों की दुकानें बंद बंद कर, फतवे दिए जाते हैं कानून उठा कर, फतवे दिए, फतवे जो देता है वो मुर्गी की ताने नहीं चबाता, वो पेट पर पत्थर बनता है। मौलाना बहुत ही सुनतों की बात करता है, किसी ने पेट पर आज तक पत्थर नहीं मारा। पत्थर मारना कुर्बानी देना ये है दीन मदीना। तो आजादे जान मेरे बाप की छोटी बहन का नाम अजरा और सुभान अल्लाह वो मसला ये था मदीना अफसा का, तो सब फिरने वाले आए दादा के पास, सैयद मिया आप हमारा नाम है, आप हमारे कैद थी। सैयद मिया ने कहा नहीं, हम कैद क्या कहेंगे, हम जो हमारे मुस्तफा जाने अहमद के दीन पर मामला उठेगा तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। हम कयामत के प्यासे नहीं है जमींदारों के भाइयों, आज इलाके के एमएलए के साथ बैठने के लिए ये गली का मौलवी जो है वो भागा फिरता है, एमएलए बुलाता है भाग के उसकी गोद में लेकर बैठ जाता है। अल्लाह की कसम मैंने अपने दादा की अलमारी खोली, उसके अंदर से लेटर निकला, उसने लिखा था गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, हम बड़ा इस बात को बयान करने में आपसे असफल महसूस कर रहे हैं कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हमने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट कर दिया तो क्या होना चाहिए था? सही नहीं होना, एनएलसी होना चाहिए। अभी आपको सुना सही मम्मा के नाम पे आ गया एनएलसी, एस एनएलसी नहीं, क्यों? क्योंकि सही जा पा रहा उसमें आया सैयद मियां के पास, सैयद मियां कुर्सी खिलाफ पे बैठे और बैठे आपने छाप फरमाया क्या कि वक्त की हुकूमत ने सैयद आलम मुस्तफा को खरीदने की जो कुर्सी थी आलम मुस्तफा ने जवाब दिया कि मियां तुम्हारी कुर्सी आलम मुस्तफा रखा कर देगी, आलम मुस्तफा के पास आए तो कुर्सी। Yeah, I think
खरीदते अलावा से अगर कसी अगर पेगला अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो मुट्ठी भर बड़े बड़ों का मार पाए अल्लाह अल्लाह खुदाना ने गैरत की और खालिस की गैरत मस्जिद अक्सा के मामले की जब मीटिंग बुलाई गई सुनी जब दौड़ा तो उस वक्त ये मैं डायरेक्ट उनसे से पूछ रहा है उस वक्त जो है अल्लाह अकबर उस वक्त खजान की थे बहुत ही सारी मौजूद था रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दादा लोग से पूछा कि मौलवी साहब ने बताया कि इस वक्त बस के जमीयत के खजाने में कितने पैसे की जरूरत है जिससे हम लोग जो है ये जुलूस निकाले तो उन्होंने कहा कि हम लोग 700 रुपये की जरूरत है और हमारे पास 400 रुपये मौजूद है 300 रुपये शॉर्ट है 300 रुपये नहीं है हमारे पास अच्छा तो बात है गुजरे में गए खड़क के नीचे उठे जो बेटी ने दिए थे आपने जेवर दिए जब मैंने ये रिवायत दादा से सुनी तो मुझे कर्बला का वाक्य आया कर्बला में सवाल उठता है सवाल ये होता है कि बहुत सारे सहाबा मौजूद थे लेकिन क्या वजह थी एक सहाबा उसे पूछा था कि क्या वजह थी कि सिर्फ इमाम हुसैन के सर ने सौदा समझाया था कि वो यजीद से दोनों हाथ करे तो उस वक्त मैंने अपने वालिद से पूछा इस बारे में कि अबू सही बात है इतने बड़े बड़े सहाबा मौजूद है अब्दुल रहे उमर वगैरह मौजूद है लेकिन सरकार इमाम हुसैन को क्या पड़ी थी कि वो चले तो अबू ने इसका मुझे जवाब दिया कि बेटा ऐसा है कि जब तक दीन के ऊपर कोई बात आई है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून शरीर बहाकर उस दीन की जड़ों को मजबूत किया है इन जड़ों को मजबूत किया है अब उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी फरमाते हैं बेटा मान लो खुदा ने करे छोरों से दूर कोई हादसा होता है लोग घायल होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं इसका खून बदलना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी को हर आदमी के ग्रुप का खून चल जाता है खून के अलग अलग ग्रुप होते हैं ओ नेगेटिव है ओ पॉजिटिव है आरएस नेगेटिव है बी पॉजिटिव है वगैरह वगैरह बहुत सारे ग्रुप हैं तो अबू ने बताया कि बेटा ऐसा होता है कि जिस आदमी का ग्रुप आरएस नेगेटिव है उसको बी पॉजिटिव वाले का खून नहीं चल पाएगा उसको उसी के ग्रुप वाले का खून चलेगा तो इसी तरह से बिना तस्वीर वगैरह तमसी जब इस्लाम की जड़ों में धूल लगता कभी कुछ का हाथ का आका अपना खून बहा देते आका का विसार हुआ अल्लाह के वादे के मुताबिक एक पत्र मौत आई सरकार तशरीफ ले गए पता फरमाने दुनिया से आप क्या हुआ लोगों का खतम अल्लाह हु अकबर आप इस्लाम की जड़ों में फिर से धूल लगना शुरू हुआ किसके नाम का यजीद नाम का धूल लगना शुरू हुआ इस्लाम का पौधा फिर से नबी का खून मांग रहा था लेकिन नबी तो हरे गुम्बद की नीचे आराम फरमा रहे थे अल्लाह हु अकबर तो आप खून कहां से आता वो खून इब्ने उमर की रगों में नहीं था वो खून जाबिर की रगों में नहीं था वो खून कहां था वो हुसैन बिन अली की रगों में था वो नासिर बिन हसन की रगों में दौड़ रहा था वो हजरत अली अकबर की रगों में दौड़ रहा था वो उबैद अब्दुल्लाह अल असद की रगों में दौड़ रहा था ये बता दी कि जब खून की जरूरत है नबी के तो उस वक्त नबी का लबासा अपना और अपने लालों का सर घटा दे और इस्लाम की मौले को सीखता है सुभान अल्लाह बेशक उलमा बड़े बड़े हमारे सनातों पर बम्बई में आते रहे खिदमत अंजाम दी इसका कोई जो है मदद नहीं कर सकता उसका कोई सानी नहीं कर सकता लेकिन जिस वक्त दिन के ऊपर अपने दहू को चले जाने निकालने की बात आई है एक शख्स नजर आता है जिसका नाम है आयुष सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिन लोगों ने आंखों को देखा है इशारत मौजूद इनके बाप मरहूम मोहनुद्दीन साहब के अब्दुल खादिर बाबा मौजूद थे अल्लाह ताला उनको कब्र कब्र जन्नत के फूलों में रखे ये हमारे अक्रम सीन इनके वाले हमारे खलीफा साहब मेरे दादा के सबसे पुराने खलीफा और माशाल्लाह इस मगर की सरजमीन पर बुनियादी सुन्नियत का काम कर रहे सिर्फ नारे नहीं